नमस्कार दोस्तों, फिर आज रू नए जानकारी के साथ। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जेई मेंस रिजल्ट 2019 कल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन यहां पे समस्या आ रही है रैंकिंग को लेकर। बहुत से बच्चे परेशान हैं रैंकिंग को लेकर, क्योंकि ज्यादा मार्क्स होते हुए भी रैंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस बार। और ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? बहुत बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा है, आप जानेंगे तो काफी हैरान में पड़ जाएंगे। आपको पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर, बस आप लोग पेशेंस रखिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, आपको बता देते हैं क्या पूरा मामला है, क्यों रैंकिंग इस बार काफी ज्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ले चलते हैं जहां पे न्यूज पब्लिश किया गया है। तो दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान न्यूज की पेपर कटिंग है और यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले ने बिगाड़ी जेई की रैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो इस बार अप्लाई किया गया है, इसकी वजह से आपकी रैंकिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। और भी जान लेते हैं पूरी सच्चाई क्या है। जेई में लागू किए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की वजह से इस बार छात्रों की रैंकिंग बिगड़ गई है। स्थिति यह है कि पिछले वर्ष 261 नंबर पाने वाले प्रयागराज के एक छात्र को अखिल भारतीय स्तर पर 1049वीं रैंक मिली थी, जबकि इस वर्ष उससे अधिक 268 अंक पाने वाले सुफियान अंसारी को अखिल भारतीय स्तर पर 3487वीं रैंक मिली है। पहली बार यह परीक्षा केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से कराई गई। 2018 तक परीक्षा CBSE कराती थी और परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होती थी। ऑफलाइन में ज्यादा और ऑनलाइन में कम अभ्यर्थी होते थे, लेकिन NTA ने पहली बार यह परीक्षा पूर्णतया ऑनलाइन ही कराई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा में कई तरह के पेपर प्रयोग किए जाते हैं। पेपर के कठिन और आसान प्रश्नों के स्तर को बराबर करने के लिए NTA ने रैंकिंग के निर्धारण में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू किया है। इस वजह से पिछले साल की तुलना में अधिक नंबर मिलने के बाद भी रैंकिंग काफी बढ़ गई है। तो दोस्तों आपको पता चल गया किस वजह से हुआ है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो अप्लाई किया गया है और पेपर जो थे, कई तरह के पेपर प्रयोग किए जाते हैं, इस वजह से रैंकिंग बैलेंस हो जाए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया गया है। इस वजह से आपकी रैंकिंग इस बार काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इसके पीछे कोई और खुलासा सामने निकल कर आता है और क्या इसमें कोई सुधार किया जाएगा, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, बस आप लोग पेशेंस रखिए। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।